बंदूकें खामोश हैं। तोप चुप हैं। मिसाइलों का मुंह बंद कर दिया गया है। गाजा मातम वाली शांति में डूब गया है। क्या होगा चार दिन बाद? गाजा पूरी तरह मटियामेट या सीज फायर बचा लेगा गाजा की जान? सीज फायर टूटा तो गाजा का 24 घंटे में सफाया। इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन सवालों का जवाब गाजा में अटकी 240 बंधकों की सुरक्षित रिहाई में है। हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में ही सीज फायर की गारंटी ली है। बंधकों की रिहाई की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले जानते हैं बंधकों की रिहाई का प्लान क्या है। डील के तहत 4 दिन तक कोई जंग नहीं होगी, लेकिन इस बीच हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। मतलब एक बंधक के बदले इजराइल को फिलिस्तीन के 3 कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करना होगा। इजराइल ने या हमास ने दोनों ओर से रिहा होने वालों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन पहले जत्थे में जो 13 बंधक रिहा हो रहे हैं उन लोगों के परिजनों से इजराइल की सरकार ने संपर्क किया है। हमास ने 7 अक्टूबर से 240 नागरिकों को बंधक बना रखा है। हमास ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत बंधक संकट पैदा किया है। हमास बंधकों के बदले इजराइल से कड़ा सौदा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि इजराइल के पास क्या मजबूरी है, या बंधकों की रिहाई होते ही इजराइल गाजा को मिट्टी में मिला देने के प्लान पर काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब इजराइल के एक्शन ने दिखाएंगे। उसके पहले सीज फायर वाली डील कहीं चीथड़े चीथड़े होकर हवा में बिखर न जाए, उसके लिए हमास इजराइल ने कैसे डील की है इसकी डिटेल देखिए। ये सीज फायर सिर्फ 4 दिन के लिए ही रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा। हर दिन 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर 1 दिन और बढ़ जाएगा। मतलब 5 दिनों में कुल 60 बंधकों को छोड़ने का सौदा हुआ है। इसके बाद 180 बंधकों के लिए हमास इजराइल के बीच कौन सा समझौता होगा ये अब तक तय नहीं है। इसके अलावा हर दिन 200 ट्रक गाजा पट्टी में आ जा सकेंगे। इन ट्रकों में मानवीय और चिकित्सीय सहायता होगी। हर दिन ईंधन लेकर 4 ट्रक भी गाजा में आएंगे। कागजी पन्नों वाली डील जमीन पर कैसे उतरेगी इसकी कंप्लीट जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार से सुनिए। The Red Cross will take them across the border and hand the hostages to representatives of the Israeli Defense Force, who will meet each hostage and identify them physically and by the lists that we have, and see that these are the correct people that we are receiving. बंधकों को लेकर डील की पटकथा अमेरिका ने लिखी है, जिसे कतर की मध्यस्थता में जमीन पर उतारा जा रहा है। हमास बंधकों को छोड़कर सिर्फ इजराइल का तनाव नहीं दूर कर रहा है। अर्जेंटीना, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों का तनाव भी कम होगा, क्योंकि इन सारे देशों के नागरिक भी 240 बंधकों में शामिल हैं।
हमास के पास 5 दिनों के बाद भी 180 बंधक बचे रहेंगे। हमास चाहता है कि इसराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे और इसराइल चाहता है कि सारे 240 बंधकों को रिहा करो। फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी के मुताबिक इसराइल ने 22 नवंबर तक 7,200 लोगों को हिरासत में रखा है, जिनमें 88 महिलाएं और 250 बच्चे हैं। इसराइल ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 300 फिलिस्तीनियों की जो रिहा होंगे उनको काबिल माना है। इनमें से ज्यादातर की उम्र 19 साल से कम है और उनके खिलाफ कोई संगीन अपराध भी दर्ज नहीं है। हमास नॉन मिलिट्री लोगों को रिहा कर रहा है और बदले में इसराइल वैसे कैदियों को जिनके खिलाफ आतंकी कार्रवाई के केस दर्ज नहीं है। आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि दोनों जानी दुश्मन सीज फायर के लिए तैयार कैसे हुए, क्या मजबूरी रही, लिहाजा सीज फायर के लिए हमास और इसराइल क्यों रेडी हुए हैं। इसकी डिटेल देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रेडी होने में तूफान के पहले की खामोशी दिखती है। वजह नंबर एक, 1.5 महीने के बाद भी बंधकों की रिहाई नहीं होने के बाद इनके परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। वजह नंबर दो, इसके अलावा गाजा में हर दिन खराब होती मानवीय स्थिति के चलते इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। वजह नंबर तीन, 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में 17 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। वजह नंबर चार, इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद 36 में से केवल 10 अस्पताल ही फिलहाल काम कर रहे हैं। इसराइल सीज फायर के लिए माना क्योंकि बंधकों में विदेशी भी हैं और गाजा में भयंकर मानवीय संकट पैदा हो गया है। लेकिन हमास सीज फायर के लिए क्यों रेडी हुआ? जानकारों का मानना है कि हमास फिर से संगठित होने के लिए किसी भी युद्ध विराम का इस्तेमाल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि हमास धीरे धीरे इसराइल की जेलों में बंद और अधिक कैदियों को रिहा करने की मांग करके युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसराइल इस मुहाने पर आकर जवाबी कार्रवाई नहीं रोकना चाहेगा। इसराइल के 3 मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं जिसके लिए उसने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है। सीज फायर के बाद क्या होगा? पहली सौगंध, इसराइल का पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा अब तक बाकी है। दूसरी सौगंध, गाजा के दक्षिण में खान यूनिस शहर पर अब भी कब्जा बाकी है। तीसरी सौगंध, हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक युद्ध जारी रहेगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि संघर्ष विराम के बाद भी इसराइल नहीं रुकेगा। इसराइल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंधकों को भी छुड़ाया जाए और कब गाजा का ऑपरेशन खत्म किया जाए। सीज फायर के दौरान ना तो कोई अटैक होगा ना ही मिलिट्री मूवमेंट होगा। सीज फायर के दौरान हर दिन इसराइल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हवाई यातायात रोक देगा। इसराइली सेना गाजा में न तो कोई हमला करेगी और ना ही किसी को गिरफ्तार करेगी। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF इस वक्त गाजा में मौजूद है। टैंकों की पहरेदारी गाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इसराइल पर पूरा भरोसा है कि सारे बंधकों को सुरक्षित रिहा करेगा, ना हमास को भरोसा है कि इसराइल सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी दोनों सीज फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी होती रहेंगी। इसराइल का ताजा बयान है कि सीज फायर के बाद गाजा से लेकर कतर तक हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। हमास इसराइल की सेलान को सुन चुका है और हमास ये भी जता चुका है कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे क्रूर हमले करेगा। जाहिर है दुश्मनी के बीच सिर्फ सीज फायर आया है और वो भी बिना भरोसे वाला। सीज फायर के बाद क्या होगा? युद्ध का गोला सिर्फ टैंक में रखकर बटन ऑफ किया गया है, किसी भी वक्त ग्रीन बटन ऑन हो सकता है। हमास और इसराइल के बीच पहली बार सीज फायर नहीं हुआ है और इसके पहले भी सीज फायर हुए हैं लेकिन वो भी बिना भरोसे वाले ही रहे। ये बात दिगर है कि इस जंग में ये सीज फायर पहली बार हुआ है। इस बार का सीज फायर गाजा को संपूर्ण रूप से तबाह होने से कितने दिन या कितने घंटे बचा पाएगा कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि युद्ध मैदान में परिस्थितियां हर पल बदल रही हैं।